नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान आपका दोस्त, आपका हम सफर। सेल्स करियर में सबसे ज्यादा मुश्किल घड़ी होती है जब प्राइस बताने का टाइम आता है। सब कुछ सही चल रहा होता है, अचानक जब प्राइस बताई जाती है, कस्टमर एक स्टेप पीछे हट जाता है। वो कस्टमर 100 रुपए की सब्जी खरीद रहा हो या करोड़ों की प्रॉपर्टी, मुंह से एक ही सेंटेंस निकलता है, ठीक ठीक लगाओ। सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में आर्ट ऑफ नेगोशिएशन सिखाया जाता है, लेकिन मैं एज ए सेल्समैन, एज ए शॉपकीपर, एक ही बात पर विश्वास करता हूं, वन प्राइस, फिक्स्ड प्राइस, नो नेगोशिएशन, नो बार्गेनिंग। और बेचता भी ऐसे हूं और खरीदता भी ऐसे हूं। मेरा तजुर्बा रहा है कि ना खरीदने के टाइम मुझे ज्यादा देना पड़ा, ना ही कभी बेचने के टाइम मेरा बिजनेस लूज हुआ। अगर आप बिजनेस में नहीं हो, सेलिंग नहीं करते हो, तो भी ये वीडियो आपको कुछ सिखाने वाली है। और अगर आप कुछ सेल करते हो, तो ये वीडियो आपके काम की है ही। करना वही जो आपको अच्छा लगे, लेकिन मेरी ये वीडियो पूरी जरूर देख लेना, ताकि आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो सके। मैं इस वीडियो में कुछ भी एक्सप्लेन करने से पहले एक बात रिपीट करना चाहता हूं कि इस वीडियो में मैं दो बातें बताने वाला हूं। एक, खरीदो उससे जो नेगोशिएट नहीं करता है, और बेचो उसको जो नेगोशिएट नहीं करता है। मैं सब कुछ अपनी लाइफ के कुछ एग्जाम्पल से ही एक्सप्लेन करूंगा। 2012 में मैंने एक फ्लैट खरीदना था, पसंद कर लिया। प्रॉपर्टी डीलर ने कहा कि वो ओनर से आपकी मीटिंग करवा देता है। इस समय 6 लाख का प्रॉफिट चल रहा है, यानी बिल्डर से जिस कॉस्ट पे खरीदा गया है उस पर 6 लाख प्रॉफिट। प्रॉपर्टी डीलर ने मुझे समझाया कि फ्लैट ओनर आपसे 7 लाख मांगेगा, आप 5 लाख बोलना और 6 पे फैसला हो जाएगा। उसने ये भी बताया कि आप जाते ही कह देना कि फ्लैट मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, बस खरीद रहा हूं, ताकि ओनर थोड़ा दबाव में रहे। मीटिंग से पहले मैंने पिंकी से बात की। पिंकी, आप जानते हो ना, माय वाइफ। मैंने कहा कि पहली बात, मैं ये झूठ नहीं बोल पाऊंगा कि फ्लैट मुझे पसंद नहीं है। दूसरा, मैं नेगोशिएट नहीं कर पाऊंगा। कहने लगी, सही है, आज तक कभी नेगोशिएट किया ही नहीं, ना ही हम कभी धोखे में रहे हैं। हम ओनर के पास गए। ओनर एक अमीर आदमी था, मेरे से 15 साल बड़ा। मैंने जाते ही उसे कहा कि सर, हमें आपका फ्लैट पसंद है और आपका आशीर्वाद चाहिए, ताकि हम उसमें रह सके। मैं एडवांस लेके आया हूं, आप कितना प्रॉफिट लेंगे बता दीजिए। हां, बताने से पहले 15 मिनट्स का टाइम सोचने में लगाइए, क्योंकि मैंने आपकी जुबान पर विश्वास करना है, आपकी जुबान पर ही फूल चढ़ा देने हैं, कहीं मेरे साथ ना इंसाफी ना हो जाए। वो बंदा तो एकदम चुप, कहने लगा, आपने मुझे अच्छा फंसाया, अब क्या बोलूं। कभी अपने बेटों से फोन पे बात करने लगा, और कभी पेपर पर हिसाब किताब लगाने लगा, और 15 मिनट्स के बाद मैंने एक कागज का टुकड़ा उसके आगे रख दिया, सर लिख दो। तो उसने पता कितना लिखा, 4,30,000। मैं हैरान नहीं था, ना ही पिंकी हैरान थी। हाँ, प्रॉपर्टी एजेंट जरूर हैरान था। आप भी सोचते होंगे कि ऐसे लोग कम ही मिलते हैं। वो आपकी सोच है, क्योंकि हमें ऐसे ही लोग मिलते हैं। प्रेजेंटली मैं 2 बिजनेस कर रहा हूं, एक तो यूट्यूब चैनल चलाता हूं, दूसरा मोटिवेशनल सेमिनार्स करता हूं। मेरे सेमिनार्स की प्रोफेशनल फी पूरे इंडिया के लिए एक ही होती है। मुझे कभी यह डर नहीं लगता कि मेरे 2 क्लाइंट्स कहीं आपस में मिल गए तो मेरी बदनामी होगी। सबके लिए एक ही रेट होता है। मुझे किसी की फोन कॉल आए, मैं फोन पर ही बता देता हूं कितनी फीस है। मैं अपने सेमिनार्स की फीस अपनी क्वालिटी एंड एक्सपीरियंस के बेस पर मांगता हूं, ना कि क्लाइंट की अफोर्डेबिलिटी पर। वन प्राइस का मतलब यह नहीं कि आप डिस्काउंट्स नहीं दो। डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं डिस्काउंट्स देने के, लेकिन तब भी ये डिस्काउंट्स सबके लिए ही होना चाहिए, बिना मांगने के,
जैसे मैं कभी कभी ट्रेनिंग अवेयरनेस मंथ सेलिब्रेट करता हूं तब स्पेशल रेट देता हूं, लेकिन सबको। सपोज मेरी फीस चल रही है 1,00,000, सीधा साधा बोल देता हूं कि मैं आपसे 1,00,000 ही लूंगा, क्योंकि सबसे 1,00,000 ही ले रहा हूं और मैं किसी भी क्लाइंट की एब्सेंस में उसे धोखा नहीं देता हूं। सामने वाला इसी डायलॉग पे डील फाइनल कर जाता है कि अगर ये बंदा दूसरों की एब्सेंस में उनको धोखा नहीं दे सकता तो मुझे भी धोखा नहीं देगा। कहीं मेरी एग्जाम्पल से पक तो नहीं रहे? अगर पक रहे तो वीडियो ना देखो, ये कॉमेडी वीडियो नहीं है। ऐसी वीडियोस में मैं व्यूज की आशा नहीं रखता हूं, बस सिखाता हूं जो सीखना चाहता है उसको। नोएडा में सेक्टर 18 में एक दुकान है अग्रवाल हैंडलूम, कर्टन क्लॉथ और बेड शीट्स वगैरह बेचते हैं। कई सालों से हम उनके कस्टमर्स हैं। ऐसे रश रहता है जैसे वड़ा पाव की दुकान है, जैसे पाव भाजी बिक रही है, जैसे भटूरे चने बिक रहे हैं। आपको क्यू में लगकर ही खरीदना पड़ता है, कारण एक ही है, वन प्राइस। वो क्लेम करते हैं कि 10% प्रॉफिट लेते हैं और लेंगे ही लेंगे। आप वन पीस खरीदो, 100 पीस खरीदो, खुद के लिए खरीदो या बेचने के लिए खरीदो, कार्ड से पेमेंट करो या कैश से पेमेंट करो, होम डिलीवरी करवाओ या खुद पिक करो, उनका रेट सेम रहता है। और यही विश्वास उनकी दुकान चलाता है, और यही विश्वास के कारण मैंने वीडियो में इस बात का जिक्र कर दिया। मैं अपने एक दोस्त की दुकान पे बैठा था, इलेक्ट्रिकल गुड्स बेचते हैं। कस्टमर्स को सीलिंग फैन दिखाया, 1,350 रुपए का था शायद, वन प्राइस शॉप है। कस्टमर अड़ गया कि डिस्काउंट लेना ही लेना है, ये भी अड़ गया कि उसकी दुकान पे बार्गेनिंग नहीं होती है। कस्टमर ने कहा कि फाइनल बोलो, डिस्काउंट दोगे कि नहीं? इसने कहा सॉरी सर। कस्टमर दुकान से उतरकर अपने बाइक पर बैठकर बाइक स्टार्ट करके वहां से बोलता है, 50 रुपए कम कर लो, 10-20 फैंस बिकवा दूंगा। इसने कहा सॉरी सर, हम बार्गेनिंग नहीं करते हैं। उसने फिर कहा लास्ट चांस देता हूं, लेकिन ये मेरा दोस्त टस से मस नहीं हुआ और वो बंदा बाइक से फिर उतरा, बाइक स्टैंड पर लगाया और दुकान पे आके बोला कि उसको एक स्कूल के लिए 40 फैन चाहिए थे। वो ट्राई कर रहा था कि आप अपने असूल के कितने पक्के हो, अगर बार्गेनिंग कर लेते तो वो कभी ना खरीदता, और उसने 40 फैंस का ऑर्डर प्लेस कर दिया। बार्गेनिंग धोखा है, इसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ कस्टमर्स को होता है। सेल्समैन कमाने के लिए बैठा है, जो भी निकलना है कस्टमर की पॉकेट से ही निकलना है। मुंबई में कुछ साल पहले एक ट्रेनिंग कंपनी ने मेरे साथ मिलकर ट्रेनिंग वर्कशॉप्स बेचनी थी। हमने पहले प्रीव्यू इंट्रोडक्टरी सेमिनार्स करने थे और उनमें वर्कशॉप्स प्रमोट करनी थी। मैंने अपनी फीस 1,500 रुपए पर हेड लेनी थी, और अगर वर्कशॉप 2,500 रुपए पर हेड बेची जाती तो उनको भी 1,000 प्रॉफिट होता, लेकिन वो कहने लगे कि 2,500 पर हेड का ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं बिकेगा। मैंने कहा कि एक इंट्रोडक्टरी सेशन रखते हैं, ट्राई हो जाएगा। मैंने 1.5 घंटे का इंट्रोडक्टरी दिया। 1.5 घंटे के इंट्रोडक्टरी के बाद मैंने पूछा कि आपको इन 90 मिनट्स में कुछ मिला? सभी ने कहा यस। मैंने कहा कि अगर 90 मिनट्स में कुछ दे सकता हूं तो डेफिनेटली 10 घंटे में बहुत कुछ दे सकता हूं। सबने यस बोला। मैंने कहा लेकिन वो 10 घंटे फ्री नहीं हो सकते, उसके लिए आपको 20,000 पर हेड देना होगा। यकीन मानना 200 बंदों के ग्रुप में से 7 हाथ खड़े हो गए। मैंने कहा मैं तो ट्राई कर रहा था, एक्चुअल में इसकी फीस 10,000 पर हेड है। अब बोलिए कौन कौन इंटरेस्टेड है? तब भी वही 7 हाथ खड़े हुए। मैंने कहा चलो मजाक अपनी जगह, मैं हैंडआउट प्रिंट करवा के लाया हूं, अब प्राइस चेंज नहीं कर सकता, इसकी प्राइस सिर्फ 2,500 पर हेड है। तब भी वही 7 लोग इंटरेस्टेड हुए। मेरा ओपिनियन और पक्का हो गया कि जिसको आपकी प्रोडक्ट पसंद है वो खरीदेगा और आपकी प्राइस पे खरीदेगा,
जिसके काम की नहीं है वो मुफ्त में भी नहीं लेगा। दोबारा बोलूं, जिसको आपकी प्रोडक्ट पसंद है वो खरीदेगा और आपकी प्राइस पे खरीदेगा, जिसके काम की नहीं है वो मुफ्त में भी नहीं लेगा। मुझे एक इंसिडेंट याद आ गया। मैं सूरत में एक सेमिनार करने के लिए गया। सेमिनार शुरू होते ही एक पार्टिसिपेंट ने हाथ खड़ा किया, एक्सक्यूज मी। मैंने कहा यस प्लीज। कहने लगा कि सर एक रिक्शा वाला आपसे भी अच्छा सिखाता है। मैंने कहा ओके, कुछ अपनी बात को एक्सप्लेन करो। मैं क्या करता, 800 लोगों के ऑडियंस में उसने मुझे फंसा दिया। तो उसने बताया कि उसने इस ऑडिटोरियम के लिए रिक्शा किया, पूछा कितने पैसे। रिक्शा वाला कहने लगा साहेब 50 रुपए। वो बैठ गया और उसने सड़क क्रॉस की और इस ऑडिटोरियम में ले आया। उसने कहा कि 100 मीटर रिक्शा चलाने के 50 रुपए ले लिए। तो वो रिक्शा वाले कहने लगा साहेब मांगने की हिम्मत चाहिए, कस्टमर्स मिल ही जाते हैं। वाह, मांगने की हिम्मत चाहिए, कस्टमर्स मिल ही जाते हैं। 100% करेक्ट। आज आप मार्केट में जाओ, देखो किसकी दुकान ज्यादा चलती है, वन प्राइस वाली या बार्गेनिंग वाली। सेल्समैन से पूछो किस पर कस्टमर ज्यादा विश्वास करते हैं, वन प्राइस वालों के ऊपर या नेगोशिएट करने वालों के ऊपर। नेगोशिएशंस, बार्गेनिंग शॉर्ट टर्म गेन के लिए है, वन प्राइस लॉन्ग टर्म एसोसिएशंस के लिए है। और आपकी गुडविल इंक्रीज होती रहती है, रेपुटेशन बनता रहता है और कस्टमर्स लॉयल हो जाते हैं और आपको नींद भी अच्छी आती है। कुछ ज्यादा ही लंबी वीडियो हो गई है, चलो क्लोज करते हैं। अपनी प्रोडक्ट या सर्विस की प्राइस फिक्स करते हुए उसकी ड्यू कीमत रख लो, जो कस्टमर को वैल्यू फॉर मनी दे सके, और उसके बाद अड़ जाओ कि नो नेगोशिएशंस, नो बार्गेनिंग्स। स्टेबलिस्ट, सीखते रहो, बढ़ते रहो।